सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है। कोरोना महामारी ये पूरी मानवता के लिए घातक रही है। स्वस्थ जीवन व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता है। समुचित पोषण एवं सुरक्षित भोजन वर्तमान परिवेश की सबसे बड़ी चुनौती है। वर्तमान कोरोना संक्रमण के समय कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमारे अन्नदाता किसानों द्वारा अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी, फल फल दूध आदि की प्रचुर उपलब्धता आम जन को सुनिश्चित कराई गई है। मुझे सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5 वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगर वर्ष 2012 से 2017 की अवधि के में प्रति वर्ष औसत उत्पादन 139 लाख मीट्रिक टन जहां रहा है, वहीं वर्तमान में यह 163.45 लाख मीट्रिक टन वार्षिक हो चुका है। प्रदेश में प्रोक्योरमेंट में के क्षेत्र में भी निरंतर प्रगति देखने को मिली है। खासतौर पर धान की खरीद 2012 से 17 की अवधि में 123.6 लाख मीट्रिक टन से वर्तमान में बढ़कर के 214.56 लाख मीट्रिक टन हो गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद में भी प्रदेश में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, जहां वर्ष 2012 से 17 की अवधि में 14,87,000 कृषकों को 17,119 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, वहीं वर्तमान सरकार के समय में 31,88,000 किसानों को अब तक 37,885 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष भी खरीफ की फसल अच्छी होने की संभावना है, तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की सभी तैयारियां प्रदेश में पूरी की जा चुकी हैं। इसी प्रकार 2012 से 17 की अवधि में 94.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, वही वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 209.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। जहां 2012 से 17 की अवधि में 19,02,000 किसानों को ₹12,808 करोड़ का भुगतान किया गया, वहीं वर्तमान सरकार के समय में 43,75,000 किसानों को 36,405 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ फसलों की बुआई के समय DAP उर्वरक के अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें बढ़ने के कारण प्रति बोरी कीमत ₹2,400 हो गई थी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने ₹500 प्रति बोरी से अनुदान को बढ़ा करके ₹1,200 प्रति बोरी किया, जिससे किसानों को पूर्व की भांति ₹1,200 प्रति बोरी की दर पर पर्याप्त मात्रा में DAP उपलब्ध हो रही है। केंद्र सरकार के जनहितकारी कदम से किसान भाइयों को बड़ी राहत महसूस हुई है। केंद्र सरकार के समन्वय से पर्याप्त खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। करीब 2021 में 57 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 53 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराकर 36,76,000 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण भी किया गया है। दानेदार यूरिया के स्थान पर IFFCO द्वारा विकसित नैनो तरल यूरिया को किसानों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। सरकार ने गन्ना किसानों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खासतौर पर गन्ना किसानों को वर्ष 2012 से 17 की अवधि में मात्र 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हो पाया था, वहीं वर्तमान सरकार के समय में 45,74,000 गन्ना किसानों को 1,42,000
366 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। 2020-21 में कुल 21,80,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुल 1,783.42 लाख मीट्रिक टन गन्ना का उत्पादन हुआ, जो 818.07 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। प्रदेश में कुल 165.55 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण माह जुलाई 2021 तक किया गया है, जहां 2012 से 17 की अवधि में 2,39,515.07 करोड़ रुपये का ऋण वितरण हुआ था, जबकि वर्तमान सरकार के समय यह बढ़कर के 4,71,723.82 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में फसली ऋण वितरण में पूर्व की सरकार के सापेक्ष 96.95% की वृद्धि हुई है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 36 जनपदों में 585 क्लस्टर के 11,700 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसी प्रकार गौ आधारित प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु 35 जनपदों के 38,670 हेक्टेयर क्षेत्रफल की ₹197 करोड़ रुपये की कार्ययोजना भारत सरकार को प्रेषित की गई है। योजना स्वीकृत होते ही इसके क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित कराने की योजना है। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 3,309 क्लस्टर यानी 66,180 हेक्टेयर स्थापित कर 1,03,442 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। सभी क्लस्टर के कृषकों को संगठित कर कृषि उत्पादक संगठन बनाने की कार्ययोजना पर भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से इस कार्रवाई को क्रियान्वित करने की योजना है। भारत सरकार द्वारा कृषि अवसंरचनात्मक निधि की स्थापना की गई है, जिससे वे अपने उपज को का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार द्वारा फार्म गेट एवं समेकन केंद्र के वित्त पोषण के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की जो वित्तीय सुविधा इसके लिए उपलब्ध कराने में काफ़ी मदद होगी। इस योजना का लाभ प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, विपणन सहकारी समितियाँ, कृषि किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुद्देश्य सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स व कृषि उत्पादक मंडी परिषद ले सकते हैं। प्रदेश में कृषि अवस्थापना निधि के अंतर्गत शेड्यूल कमर्शियल बैंकों का कुल 197 आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी लागत ₹218 करोड़ है। आवेदनों में से लगभग 20 करोड़ रुपए की 20 परियोजनाओं की स्वीकृति के बाद प्रथम किस्त वितरित की गई है। वर्तमान में सेंट्रल पीएमयू तथा विभिन्न शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के स्तर पर 74 आवेदन, जिनकी परियोजना लगभग 126 करोड़ रुपए है, ये प्रक्रियाधीन भी है। पैक्स को नाबार्ड की मल्टी सर्विस सेंटर योजना के तहत लगभग 1100 पैक्स के आवेदन प्राप्त हुए हैं। 549 पैक्स के लगभग 120 करोड़ रुपए के DPR नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर है। प्रथम किस्त 170 पैक्स को प्रति पैक्स 4.25 लाख की दर से कुल 10 करोड़ रुपए भी वितरित किए जा चुके हैं। इस निधि के क्रियान्वयन के संबंध में हमारा सुझाव है कि पोर्टल मात्र अंग्रेजी भाषा में है, सामान्य किसान इसे समझने में उन्हें कठिनाई हो रही है और आवेदन करने में भी कठिनाई हो रही है। हमारा अनुरोध है कि पोर्टल को हिंदी भाषा में भी अगर कर सकेंगे तो एक सामान्य किसान को इसमें सुविधा होगी। महोदय, कृषि अवस्थापना निधि को और बेहतर ढंग से करने हेतु राज्य सरकार शीघ्र ही आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना लागू करने की प्रक्रिया में है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 1500 से अधिक प्राथमिक जो कृषि सहकारी समिति पैक्स
को 20% मार्जिन मनी शासन के बजट से उपलब्ध कराए जाना प्रस्तावित है, जिससे वे नाबार्ड से ऋण प्राप्त करते हुए अवस्थापना निधि के ब्याज उपादान का लाभ ले सकेंगी। इस ऋण से ग्रामीण स्तर पर पोस्ट हार्वेस्ट अवस्थापना जैसे छोटे भंडारण, कोल्ड स्टोर इत्यादि का निर्माण होगा, जो स्थानीय कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए लाभकारी होगा एवं ग्रामीण क्षेत्र में इससे रोजगार का भी सृजन होगा। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन संगठनों, कृषक उद्यमियों एवं मंडी समितियों को भी अवस्थापना निधि से बेहतर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भी 3% अतिरिक्त ब्याज उपादान देने का प्रस्ताव है। इस कदम से पोस्ट हार्वेस्ट अवस्थापना हेतु ऋण लेने से वास्तविक ब्याज 3% के आसपास रह जाएगा, जिससे बैंकों से ऋण भी ज़्यादा सुविधा से प्राप्त हो सकेगा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधा विकसित हो सकेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी कृषक प्रदेश में 2,50,09,000 हैं, तथा किसान क्रेडिट कार्ड 1,65,55,000 वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने हेतु जिला प्रशासन व बैंकों के समन्वय के साथ अभियान अनवरत जारी है। अभी तक प्रदेश के 75 जनपदों में से 7 जनपदों में 100%, 14 जनपदों में 90% या उससे अधिक आच्छादन हो चुका है। 18 जनपदों में 50% से कम आच्छादन है। उक्त जनपदों में विशेष अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने की कार्रवाई भी प्रगति पर है। उल्लेखनीय है कि माह जनवरी 2020 तक कुल 1,11,13,000 किसान क्रेडिट कार्ड बने थे, जबकि जुलाई 2021 तक कुल 1,65,55,000 किसान क्रेडिट कार्ड बन गए हैं। इस प्रकार जनवरी 20 से जुलाई 21 तक की अवधि में कुल 54,42,000 किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं। कतिपय जनपदों में किसान क्रेडिट कार्ड कम बनने का मुख्य कारण किसानों का अप्रवासी होना, छोटी जोत का होना और किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में रुचि न लेना भी रहा है। हमारा इस संबंध में सुझाव है कि पीएम किसान के लाभार्थियों को आधार सीडेड डाटाबेस या किसान क्रेडिट कार्ड का आधार सीडेड डाटाबेस भारत सरकार के पास उपलब्ध है। हमारा अनुरोध होगा कि यदि दोनों डाटा की मैचिंग कराकर ऐसे पीएम किसान लाभार्थी जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है की सूची अगर राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की गति में हम तीव्रता लाने में हमें मदद मिलेगी। भारत सरकार द्वारा देश के किसानों का एक डाटाबेस तैयार किए जाने की योजना है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए संचालित सभी योजनाओं का लिंक किया जाएगा। किसानों को समय समय पर सलाह उपलब्ध कराई जाएगी तथा उनके द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों के लिए उचित विपणन की व्यवस्था की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों मथुरा, मैनपुरी और हाथरस को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन में राज्य सरकार के सभी संबंधित विभाग अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल सीड्स योजना प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में संचालित है। किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु योजना अंतर्गत तिलहनी फसलों के मिनी किट भारत सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान वर्ष में खरीफ में 13,960 तिल एवं मूंगफली के बीज मिनी किट कृषकों को निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं, तथा राई और सरसों एवं अलसी के 4,77,500 बीज मिनी किटों का वितरण भी कराया जाना वर्तमान में प्रस्तावित है। गत वर्ष में कुल तिलहनी फसलों खरीफ और रबी से 11.93 लाख हेक्टेयर भूमि आच्छादित की गई, ता कुल 12.71 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। वर्ष 2021-22 से तो कुल तिलहनी फसलों के
13.68 लाख मीट्रिक टन लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को आच्छादित करने का लक्ष्य है। कुल 15 लाख मीट्रिक टन तिलहनी फसलों का उत्पादन भी संभावित है। प्रदेश में कृषकों को तिलहनी फसलों के आच्छादन एवं उत्पादन वृद्धि हेतु नवीनतम विकसित प्रजातियों के बीजों का वितरण, प्रदर्शनियों का आयोजन, कृषक प्रशिक्षण गोष्ठी या मेला का आयोजन, कृषि रक्षा उपकरण, कृषि यंत्रों का वितरण, सिंचाई हेतु डीजल पंप सेट, स्प्रिंकलर सेट, सिंचाई पाइप आदि सुविधाएं योजना अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोरोना महामारी के प्रभावित होने के कारण 2020-21 के लिए समग्र निर्यात आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान उत्तर प्रदेश से कृषि निर्यात 17,58,479.29 मीट्रिक टन रहा। अगर हम इसे रुपये के संदर्भ में देखें तो यह 11.29% बढ़ करके यह 17,17,669.12 करोड़ रुपये हो गया है। वित्तीय वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कृषि नॉन बासमती चावल के निर्यात में रही। मात्रा के संदर्भ में यह 50.34% बढ़ करके 3,60,897.38 मीट्रिक टन हो गया है। यानी यह पहले से बढ़ करके 32.39% बढ़ करके 913.16 करोड़ रुपये हो गई है। भारत सरकार की कृषि निर्यात नीति के सामंजस्य में उत्तर प्रदेश ने भी 2019 में राज्य में कृषि निर्यात नीति को अधिसूचित की है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में 2019 के निर्यात से 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना करना है। राज्य स्तर की निर्यात निगरानी समिति, मंडल स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति और जिला स्तर पर क्लस्टर फैसिलिटेटिंग सेल बनाकर राज्य, मंडल एवं जिला स्तर पर कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र विकसित किया गया है। निर्यात क्लस्टर के पास स्थापित होने वाले नई प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कृषि निर्यात आधारित प्रोत्साहन के लिए प्रावधानित किए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त परिवहन अनुदान निर्यात उन्मुख क्लस्टरों को विकसित करने हेतु प्रोत्साहन भी सम्मिलित किए गए हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाले शैक्षिक संस्थानों को भी एकमुश्त ₹50 लाख अनुदान की व्यवस्था की गई है। कृषि निर्यात में उपयोग की जाने वाली निर्दिष्ट कृषि उपज पर मंडी शुल्क और विकास उपकर से छूट भी प्रदान की गई है। विगत 6 माह में कानपुर से गंगा के किनारे उत्पादित जामुन की का मई जून 2021 में लगभग 5000 किलोग्राम का प्रथम बार निर्यात यूके को किया गया। जामुन निर्यात से किसानों को ₹35 से ₹40 प्रति किलोग्राम के स्थान पर ₹70 प्रति किलोग्राम प्राप्त हुआ है। इस प्रकार फल व सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में कृषि निर्यात हेतु 2 पैक हाउस लखनऊ एवं सहारनपुर में पहले से स्थापित हैं। उक्त के अतिरिक्त अमरोहा एवं वाराणसी में भी नए पैक हाउस निर्मित किए जा रहे हैं। आज यहाँ पर माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री जी के साथ कृषि सेक्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्रियाकलापों से संबंधित यह चर्चा इस संवाद यहाँ पर रखी गई है। राज्यों को रणनीति बनाने में विशेष सहायता इससे प्राप्त होगी। कॉपरेटिव फेडरलिज्म की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में निश्चित ही सफल होंगे। आपने मुझे यहाँ पर राज्य के बारे में बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।